हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश क्लास 12th में हमारा चैप्टर है माय मदर एट 66। इसकी राइटर है हमारी कमला दास। भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे चैप्टर नेम से ही पता चल रहा है माय मदर एट 66। इसका मतलब क्या है, चैप्टर का नेम का यहाँ पर अर्थ है कि माई मदर यानी कि मेरी माता जी एट 66 कितने साल की हो गई हैं, 66 ईयर की हो गई हैं। यानी कि वो उनकी जो आयु है, उनकी जो कमला दास राइटर हैं, इनकी जो आयु है वो कितनी हो गई है, 66 साल की हो गई है। इसके बारे में वो बता रही हैं कि जो जब कमला दास अपनी माता को देखती हैं 66 आयु की उम्र में, तो क्या होता है, उन्हें डर होता है अपनी माता को खोने का, कि कहीं वो अपनी माता को खो ना दे। क्योंकि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप सभी को लगता होगा कि कहीं आप, जैसे कि अगर आपकी दादी बाबा जो भी हैं, अगर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप यही सोचते हैं कि उनको कहीं ना कहीं मन में यही सवाल ज़रूर आता है कि कहीं ये हमको छोड़कर चले ना जाए। ऐसे यहाँ पर जो कमला दास राइटर हैं, ये भी सोच रही है कि इनकी मम्मी की उम्र हो गई है 66 साल, तो ये भी इनके मन में डर है इस बात का कि कहीं उनकी माता जी इनको छोड़कर चले ना जाए। यहाँ पर देखिए, फिर हमने राइटर का नेम लिख दिया है कमला दास, और इनका देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर इनका इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इनकी सन, क्योंकि कई बार ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कमला दास का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर सन लिख दी है। फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरला के मालाबार में हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया है। चलिए आपको बताते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, अगर जैसे हम किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं, तो वो पोयम हमको पूरी समझ में आ जाए कि पोयम कहना क्या चाह रही है। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब यही होता है कि पोयम का केंद्रीय भाव क्या होता है। तो हम सेंट्रल आइडिया अगर लिख देते हैं किसी भी पोयम का, तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी पोयम है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा सेंट्रल आइडिया है क्या। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है द पोयम माई मदर एट 66। अब देखिए यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। देखिए, अगर आपको एग्जामिनर के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा दिखाना है, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी का चैप्टर का नेम है, या कोई हमारा राइटर है, या कोई भी हम सन लिखते हैं, तो उसको ब्लैक पेन से दिखा दें। जैसे कि हमने यहाँ पर जो ये लिखा है चैप्टर का नेम है, तो आप क्या करें, इसको ब्लैक पेन से लिख लें। ये जो राइटर का नाम है, इसको आप कैसे लिख दें, ब्लैक पेन से लिख दें। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को। फिर देखिए, आपको इसकी हिंदी बताते हैं क्या है। द पोयम माई मदर एक्ट 66 इज कम्पोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। तो इसका यहाँ पर हिंदी है इसकी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पोयम है माई मदर एट 66, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, एक प्रसिद्ध भारतीय इंग्लिश पोएटेस जो है कमला दास, इनके द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए आगे है, इन दिस पोयम पोएटेस कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्लिटाइज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल idioms इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इन दिस पोयम का मतलब इस पोयम में पोएटेस यानी कवित्री कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्लिटाइज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कैप्चर का मतलब दिखा रही हैं, या वो बता रही हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है, यानी कि ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, यानी कि जो मानवीय संबंध होते हैं उनमें जो आगे जाके जो दिक्कतें होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में बता रही है। किसके ज़रिए, एक idiom के ज़रिए बता रही है। idiom का मतलब होता है मुहावरा, अर्थात वो मुहावरे के द्वारा बता रही हैं कि जो मनुष्य के संबंध होते हैं उनमें जो आगे जाके दिक्कतें कठिनाइयां आती हैं, उनके बारे में वो बता रही है। इज़ एन एग्जाम्पल, यानी अब देखिए इस एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग। यहाँ पर तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जो एजिंग है वो नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग क्या है, हमारा नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग का मतलब जो आयु है या उम्र है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है सभी लिविंग थिंग के लिए। इससे यानी कि फॉर ऑल लिविंग थिंग का मतलब जो भी सजीव वस्तुएं हैं, जिनमें जान है, जो सांस लेते हैं, वो उन सभी के लिए जो एजिंग है वो नेचुरल प्रोसेस है। कहने का मतलब यही है, सभी को पता है कि आप अगर जन्म लिए हैं तो आपकी मृत्यु होनी है। जैसे कि आपने जन्म लिया, आप बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी शादी होगी, उसके बाद क्या है, एक समय आप ऐसे आएगा आपके लिए कि आप बूढ़े हो जाएंगे। तो यानी जो एज हमारी बढ़ती जा रही है,
बढ़ती जा रही है, ये क्या कैसा प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है किसके लिए, सभी लिविंग थिंग के लिए। जो एजिंग है यानी जो आयु का बढ़ना है वो कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर केवल एग्जांपल इसी के द्वारा यही दर्शाया गया है कि एज के बारे में बता रहा है कि एज कैसी प्रोसेस है, हमारी नेचुरल प्रोसेस है। फिर देखिए आगे हमने लिखा है कि माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। इसका मतलब ये है कि जो माई मदर एट 66 जो हमारी पोयम है इसकी थीम ही यही रखी गई है, एडवांसिंग एज। एंड पोइटिस ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। इसका मतलब ये है, और पोइटेस यानी जो कवित्री हैं वो यह भी दिखा रही हैं, ऑल्सो का मतलब भी, एक्सप्रेस का मतलब दिखाना, ये भी एक्सप्रेस कर रही हैं अपने दुख को, यानी ग्रीफ का मतलब होता है दुख, अपने दुख को दिखा रही हैं। उन्हें डर है इस बात का कि वो अपनी माता को कहीं खो ना दे, लॉस हर मदर, इसका मतलब है लॉस का मतलब खोना अपनी हर मदर यानी कि अपनी माता को। पोइटिस दिखा रही हैं, बता रही हैं कि उन्हें डर है इस बात का कि वो अपनी माता को कहीं खो ना दें। आगे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो अ इमोशनल पोयम, यानी ये जो पोयम है ये कैसी है, एक इमोशनल पोयम है। यानी इट इज़ कंपेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून। इसका मतलब यह है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जो पोइटेस हैं वो अपनी माता को किससे कंपेयर कर रही हैं, लेट विंटर्स मून यानी जो सर्दियों के मौसम में जो लेट नाइट का मून होता है उससे कंपेयर कर रही हैं। क्या कंपेयर कर रही हैं, इट लूजेज इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, यानी कि जो मून होता है लेट नाइट का उसमें ना तो पावर होती है ना ब्राइटनेस होती है। इसका मतलब ये है, ना तो शक्ति होती है उसमें इतना ज़्यादा वो चमकता है। तो ये जो पोइटेस हैं किससे कंपेयर कर रही हैं, लेट नाइट विंटर मून से कंपेयर कर रही हैं। फिर देखिए आगे है, बाय दिस पोयम पोइटिस पेंटेड अ मैसेज। ये जो हमारी पोयम है ये यहाँ पर कवित्री केवल इतना बताना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, हैव यू एवर थॉट वॉट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। इसका मतलब ये हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, वॉट अवर एल्डरली पेरेंट्स यानी कि आपके जो बूढ़े हो चुके जो हम आपके पिता हैं माता जी हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, आपसे चाहती क्या है, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने कभी क्या ये सोचा है कि आपके जो बूढ़े माता पिता हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। मैं पोइटिस केवल इतना मैसेज देना चाह रही हैं कि आपने क्या कभी सोचा है कि आपके बूढ़े माता पिता आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको भी इस बात सोचनी चाहिए कि आपके माता पिता आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, और जो एक्सपेक्ट करते हो तो आप भी उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी पोयम समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।